किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि जीतने का असली मजा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत तिवारी स्कूल आश्रम से मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ मैनेजमेंट कोच। एक समय की बात है, एक छोटी सी रायत के एक राजा हुआ करते थे जिनकी सेना काफी छोटी सी थी। उसी दौरान उनके ऊपर एक बड़े शासक ने, बड़े राजा ने हमला कर दिया। एक बड़े राजा थे तो उनके पास सेना भी काफी ज्यादा थी। छोटी सेना के छोटे राजा की छोटी सेना काफी परेशान थी। उनको लग रहा था कि उनकी तो हार निश्चित है। राजा ने उनको समझाने की कोशिश भी की कि अगर हम अच्छे से लड़े, युक्तियों के साथ लड़े, तो हम उस बड़े राजा को भी हरा सकते हैं। लेकिन छोटी सेना मानने को तैयार ही नहीं थी। उसका ये कहना था कि हम बाहर निकलते तो देखते तमाम घोड़े, तमाम हाथी, तोपों के साथ व्यक्ति खड़े हैं वहां पर और हम लोग के ऊपर आक्रमण करने आ रहे हैं, तो कोई संभव है ही नहीं बिल्कुल भी कि हम वहां पर जीत सके। तो राजा ने थोड़ी देर सोचा और उसके बाद कहा कि अच्छा, अगर ऐसा है तो चलो क्यों ना किस्मत से पूछा जाए कि किस्मत का क्या कहना है, कौन जीतेगा। तो सेना एकदम से शॉक्ड हो गई कि क्या किस्मत से कैसे पूछा जाए। तभी राजा ने एक सिक्का निकाला और सिक्के को दिखा करके बोला कि अगर हेड आता है तो इसका मतलब हम जीतेंगे और अगर टेल आया तो इसका मतलब वो लोग जीतेंगे। सभी उत्सुक हो गए और देखना चाहते थे कि हाँ देखें सिक्के के उछलने के बाद आता है। राजा ने उछाला और किस्मत के साथ सरप्राइज हुए सभी लोग कि वहां पर हेड आया। सेना बिल्कुल अचानक से खुश हो गई और कही कि किस्मत इसका मतलब हमारे साथ है और हम अगर आक्रमण करते हैं तो हम जीत भी सकते हैं। राजा ने कहा बिल्कुल, अगर हम आक्रमण करें और युक्तियों के साथ लड़ें तो हम जरूर जीतेंगे क्योंकि किस्मत भी हमारे साथ है। सभी सेना काफी खुश हुई और पूरे आक्रोश के साथ, पूरे जज्बे के साथ, पूरे विनिंग एटीट्यूड के साथ उन्होंने बड़े वाले राजा की सेना के ऊपर आक्रमण बोला और युद्ध शाम तक चला और आखिरकार छोटी रियायत के राजा जीत हासिल किए। सेना का सेनापति जब राजा के पास वापस आया और बताया कि महाराज मानना पड़ेगा, किस्मत नाम की चीज होती जरूर है, तो राजा ने मुस्कुरा के कहा बिल्कुल किस्मत जैसी चीज होती जरूर है। और तुरंत उन्होंने एक सिक्का जिससे उन्होंने उछाला था उसी को उन्होंने वापस सामने दिखाया और दिखाया क्या कि दोनों तरफ हेड था, यानी सिक्का गिरता किसी भी तरफ आता हेड। यह छोटी सी कहानी हमें यह सीख देती है कि जीतने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन को जीतना होगा। अगर हमें कोई भी लक्ष्य को पाना है, अगर हमें कोई भी सफलता पानी है, तो सबसे पहले हमें उसको मन में जीतना होगा, हमें मन में उसको बनाना होगा, उसका दृश्य अपने मन के अंदर बनाना होगा, तब जाके हम उसको वास्तविकता में पा सकते हैं। कहा भी ये भी जानता है कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। इसीलिए साथियों कभी भी हौसला मत हारो। इसीलिए नवनीत कहता है कि मंजिलें मिलती हैं उन्हें जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।